तो लास्ट एक दो वीडियोस में मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि नेपाल ने एक नया मैप लॉन्च किया था, जो मैप तकरीबन दो दिन पहले आ चुका है नेपाल के अंदर, और नेपाल ने ये मैप अपने कॉलेज स्कूल के अंदर लोगों और बच्चों को पढ़ाने के लिए दिखाया है। इस मैप के अंदर इंडिया का काफी ज्यादा पार्ट दिखाया है और साथ में चाइना का भी काफी पार्ट दिखाया है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया के साथ इंडियन गवर्नमेंट में इस पे कितना गुस्सा किया जा रहा है। ये सब आज की वीडियो में शेयर करेंगे। आपके साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम आपसे ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करूं तो ग्रेटर नेपाल की तहरीक अभी से नहीं तकरीबन 10-12 साल से चल रही है और इसका ओनर है पनिंद्रा नेपाल। पनिंद्रा नेपाल ने इसके मैप निकाले और साथ में ये बताया कि कौन कौन सी जगह है इस ग्रेटर नेपाल में। एक महीना पहले ग्रेटर नेपाल का मैप बालनशाह ने अपने ऑफिस में लगाया और इस मैप के बाद इंडियन मीडिया ने काफी गुस्सा किया। उसके बाद काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई इंडिया नेपाल के बीच में, काफी लड़ाई हुई, इंडिया की तरफ से काफी बातें आई, नेपाल की तरफ से भी काफी बातें शेयर हुई। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात ये सामने आ रही है कि दो दिन पहले नेपाल ने एक नया मैप लॉन्च किया है और ये मैप जो ग्रेटर नेपाल की पुरानी मैप को देख के ही बनाया गया है, बट इस मैप के अंदर कुछ चीजें चेंज है। चेंज ये कि इसमें तिब्बत का पार्ट जो है काफी ज्यादा दिखाया है, साथ में इंडिया का भी पार्ट काफी ज्यादा दिखाया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दूसरी जगह भी काफी ज्यादा है। अगर दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो दूसरी साइड पे एक तो तिब्बत आता है, तो तिब्बत जो चाइना वाला पार्ट है उसमें काफी ज्यादा नेपाल को दिखाया है और साथ में बांग्लादेश का भी काफी ज्यादा पार्ट दिखाया है और बांग्लादेश के साथ भूटान का भी काफी पार्ट दिखाया है। अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि इंडियन लोग अपने प्राइम मिनिस्टर को कोस रहे, उनको गालियां दे रहे कि ये सारी मोदी की वजह से ये हुआ है। और ये सारी बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि मैंने वीडियोस देखिए, उसके बाद में आपके साथ ये रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। नेपाल के इस मैप को देख के इंडियन मीडिया लगातार गुस्सा हो रहा है और साथ में इंडियन लोग भी नेपाल के इस मैप को देख के अपनी पॉलिटिकल लीडर्स को गालियां दे रहे कि ये मोदी की वजह से नेपाल जो है ना दिन ब दिन गुस्सा होता जा रहा है, नेपाल के ताल्लुकात हमारे साथ बुरे होते जा रहे हैं, नेपाल ग्रेटर नेपाल का मैप निकाल रहा है सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से। ना अगर मोदी अखंड भारत का मैप निकालता, ना ये सारे मामला होते और ना इतने हालात जो है वो खराब होते। तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है, क्योंकि अगर अखंड भारत का मैप लॉन्च नहीं होता या लॉन्च होते ही वो ये कहते कि भाई आज से 1000 साल पहले जिस तरीके से अखंड भारत था या जिस तरीके से एशिया का ये पार्ट था जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश था, तो उसको हम दिखा रहे ना कि अखंड भारत कहते, तो ये कॉन्ट्रोवर्सी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। ये खबर आपको दे रहे कि नेपाल के काठमांडू सिटी और दूसरी सिटियों के अंदर कॉलेज और स्कूल में ग्रेटर नेपाल के इस नए मैप को दिखा के बच्चों को बाकायदा पढ़ाया जा रहा, एजुकेट कर रहा है कि ग्रेटर नेपाल क्या था, हम इससे वापसी कैसे हासिल कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी जगह हमारी है और ये कैसे हम इसको ले सकते हैं। तो भाई अब आने वाले वक्त में देखना ये कि भूटान और बांग्लादेश और चाइना, इन तीन कंट्री इस ग्रेटर नेपाल के बारे में क्या बात करते हैं और इंडियन मीडिया आगे आने वाले वक्त में इसके बारे में क्या बात करता है, तो ये आगे आने वाले वक्त में बात करेंगे। आज तक ये रिपोर्ट की। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।